नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डीवी न्यूज में। देश के पहले वर्ल्ड क्लास स्टेशन रानी कमलापति के तिरंगे के अपमान का मामला सामने आया है, जहां स्टेशन परिसर के अंदर फटा झंडा लहराता दिखाई दिया। यह मामला बुधवार का है, जब दिन भर फटा झंडा लहराता रहा और दूसरी तरफ रेलवे अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। हालांकि शिकायत के बाद स्टेशन प्रबंधक कमेटी ने इसे तुरंत चेंज करवाया। रानी कमलापति स्टेशन के अपर महाप्रबंधक मोहित समैया ने बताया कि बारिश के बाद तेज हवाओं के चलते झंडा फट गया था। सूचना मिलते ही झंडा तुरंत बदलवा दिया गया। वहीं आपको बता दें, इस मामले की शिकायत रेलवे से ट्विटर पर हमीदिया कॉलेज के एक छात्र शिवम मिश्रा ने की। शिवम ने बताया कि बुधवार शाम करीब 5 बजे मैंने रानी कमलापति स्टेशन का झंडा फटा देखा, जिसके बाद तुरंत ही उसकी शिकायत रेलवे से की। मुझे यह देखकर बहुत दुख हुआ। मोहित समैया ने बताया कि आसपास कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, इस कारण झंडे पर धूल मिट्टी लग जाती है और वह भारी हो जाता है, जिस वजह से वह कई बार फट भी जाता है। अभी तक हम 4 बार झंडे को चेंज कर चुके हैं। बता दें कि इससे पहले जून 2022 में फटे हुए झंडे की तस्वीरें आई थी और तुरंत ही उसे बदलवा दिया गया था। ऐसी ही खास खबरों के लिए बने रहें डीवी न्यूज़ के साथ।